मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन करें 6 अचूक उपाय, पूरे साल घर पर ही रहेगी माँ लक्ष्मी। दोस्तों, इस बार मार्गशीर्ष अमावस्या 12 दिसंबर को है, उस दिन ही स्नान, दान और पितृ दोष के उपाय किए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप बहुत परेशान हैं, आपके पास पैसा नहीं, रुकता खर्च ज्यादा हो रहा है, आपके बिजनेस में रुकावट आ रही है, आपके रिश्तेदार आपसे सही से बात नहीं करते हैं, आप सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको हम 6 अचूक उपाय बताने वाले हैं, जिसको आपको केवल एक दिन करना है। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपके बनते हुए काम अचानक से बिगड़ जाते हैं और सफलता से कुछ ही कदम पहले आप असफल हो जाते हैं, तो ऐसे में आज के दिन एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें साबुत मूंग की दाल भरकर उस पर ढक्कन लगाकर मंदिर में दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके सारे काम बनेंगे और आपको सफलता मिलेगी। बता दूं कि ये उपाय सभी राशि वाले लोग कर सकते हैं, लेकिन आज की ग्रह स्थिति के अनुसार वृष राशि वालों के लिए ये विशेष फलदायी है। अगर आपको लगता है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति कुछ कमजोर पड़ गई है, कोई भी फैसला लेने में आपको बहुत वक्त लगता है और आपका ध्यान भी बार बार भटक जाता है, तो ऐसे में आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और 1.25 किलो मसूर की दाल लाल कपड़े में बांधकर देवी के चरणों में अर्पित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सोचने समझने की शक्ति मजबूत होगी, आप अपने काम के प्रति एकाग्र होंगे और सही समय पर सही फैसला लेने में भी समर्थ होंगे। बता दूं कि ये उपाय सभी राशि वाले लोग कर सकते हैं, लेकिन आज की ग्रह स्थिति के अनुसार मिथुन राशि वालों के लिए ये विशेष फलदायी है। अगर आप अपने दोस्ती के रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं और उसमें मिठास भर देना चाहते हैं, तो आज के दिन किसी पेड़ से 7 हरे रंग की पत्तियां लाकर उन पर साबुत मूंग की थोड़ी थोड़ी दाल रखकर अपने दोस्त को दे दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी दोस्ती का रिश्ता मजबूत होगा और उसमें मिठास भरेगी। बता दूं कि ये उपाय सभी राशि वाले लोग कर सकते हैं, लेकिन आज की ग्रह स्थिति के अनुसार कर्क राशि वालों के लिए ये विशेष फलदायी है। अगर आप अपने खर्चों से परेशान हैं, आपके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन किसी न किसी चीज में खर्च हो जाता है और आप अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आज के दिन आपको चीड़ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। अगर आपको आसपास चीड़ का पेड़ न मिले तो आप इंटरनेट से पेड़ की फोटो डाउनलोड करके भी नमस्कार कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। बता दूं कि ये उपाय सभी राशि वाले लोग कर सकते हैं, लेकिन आज की ग्रह स्थिति के अनुसार सिंह राशि वालों के लिए ये विशेष फलदायी है। अगर आपके बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो पा रही है और आपको लगातार धन की हानि हो रही है, तो आज के दिन आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और जरूरतमंदों को कुछ दान करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने न जा पाए, तो घर पर ही पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर स्नान कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी और आपको धन लाभ होगा। बता दूं कि ये उपाय सभी राशि वाले लोग कर सकते हैं, लेकिन आज की ग्रह स्थिति के अनुसार कन्या राशि वालों के लिए ये विशेष फलदायी है। अगर आप अपने जीवन में गति बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन अपने हाथ में फिटकरी का एक टुकड़ा लेकर बुध के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ॐ ब्रां ब्री ब्रौं सः बुधाय नमः। इस प्रकार मंत्र जप करने के बाद उस फिटकरी के टुकड़े को बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में गति बनी रहेगी। बता दूं कि ये उपाय सभी राशि वाले लोग कर सकते हैं, लेकिन आज की ग्रह स्थिति के अनुसार मेष राशि वालों के लिए ये विशेष फलदायी है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।